बेटा सोचो तो रानिया कि मेहमान जी के फोन पे धन्यवाद दे दी। एक कन्हैया जी ओकरा के समझाओ तार छोट भाई हा। अब अमर समझस चाहे मत समझस लेकिन जब हमनी के समझ में आ जाई कि पैसा ना डूबी तबे उनका नौकरी में ही पैसा भर जाए। ऐसा बा महन जी कि गांव के सब लोग उस जमीन के बारे में बात करके रामचरण जी थोड़ी ही बात हम कल सवेरे ही घर छोड़ के जाता नहीं हमेशा खातिर। अरे हमारा चार दिन ना भैला आई ऐसा का बात हो गई। छोड़ी न भाभी अब पतौला से का फायदा बटे ना रवा बतावे के पड़ी बताई का बात बा। बतौला से अब कोनो फर्क पड़े वाला नहीं के भौजी जान के का करब। देखी देवर छोट भाई लेखा होला रहुआ हमरा से कोनो बात कबो न छुपावे इहो बात बता दी। हम जानवर ना है भौजी कि जे हमके जौन खूटा से बांध के रखे चाहिए हम रह जाए। वो के जानवर कहा था जौन घर में हमार बात के कोनो महत्व नहीं खे हमार कोनो अधिकार नहीं खे वो घर में हम जानवर ना ही तो कहा ही बोली। रहुआ अधिकार कहा ही नहीं खे साफ साफ बताई का बात बा। से एगो बात पूछी रहु अपना भौजी पर भरोसा बाकी ना। हाँ पे पर तो भरोसा बैठे यही खातिन तो आपके बताओ तनी। एगो काम करी हमरा आ जाए दी हम खुद राव नौकरी खातिर बाबूजी या भैया से बात करो। कुछ ना हो सकेला भौजी हम कुल करके देख ले बनी। देखी अगर राव दिल में अपन भौजी खातिर थोड़ा सा भी प्रेम बा तो एगो बात जान ली हमार के लिए रहुआ घर छोड़ के ना जाए। देखिए भौजी हमारे कसम वसम मत दिलाई आप। बस अब हम आगे कुछ नहीं की जाना ठीक बा। अब चलिए हमरा के खुश होके बताए तब फोन पे। अब ठीक बा समझ गई। समझ गई नीना खुश होके बताए रहो करब नु जो हम कहले बानी। मानव रवा जैसे कहो वैसे ही होई। इनकर फोन काहे नहीं लगता। दीदी अब के करके फोन लगावत रहो क्यों के ना कहनी है ना सरला से झूठ ना सच बोला। जीजा जी के फोन लगावत रहो नू। हाँ बाकी लागते नहीं के उनकर फोन। अच्छा
दीदी तहार दुलरुआ देवर का कहत रहन। कुछ ना, बस सही हाल चाल। कुछ तो बात बा? ना रे, कुछ बात नहीं खे। के काला सतारा? अच्छा, तो फिर तहार चेहरा के रंग का है उड़ल बा? उता बस ऐसा ही सोचनी है कि तनी इनका से बात हो जाए। दीदी, तू जीजा जी से बहुत प्यार करे लूनू। कहे? कहे कि जीजा जी भी तो से बहुत प्यार करे लन। अब देखा ना, तू यही जा बाड़ू, लेकिन चिंता वही जाके लागल बा। चिंता के बात नहीं खे, बस थोड़ा बात हो जाए। ए दीदी, घर बदलते ही रिश्ता बदल जाला नू? रिश्ता ना बदलेला पगली, बस जिम्मेदारी बढ़ जाना। अतारा सूते के नहीं खे का? ना, अब हमके अकेले सूते की आदत नहीं खे। अब वैसे भी काल तो तू जा तरुनु, काल से तो अकेले ही सूते के पड़ी। अच्छा अब चल। कहाँ? सूते चल। राजू। हाँ पुआ। ये जूठ बर्तन अब अपने आप से धोवल करा लो। का जूठ? हमरा से ना हुई। का हो गई लन्ना जी? भौजी देखा ना, मोई माजल बर्तनी आई यही के जूठ कह देता है, कहता नहीं था। छोड़ दी, हम जाके मांज देता नहीं। राजू, सुमिति आई भैया, पूछा चौका बर्तन करी कि ना? माई अब कहीं घर काम ना करी। हाँ, ओकर तो मरद मुअल उ गांव नगर चोरी, ओकरा काम के लिए का जरूरत भेल बा? हाँ माई, अब ओकर का जरूरत बा? फुआ बाड़ी में बर्तन मजे खाती है तोहन लोग के घर के दाई लौड़ी है। फुआ आपन दिन भूल गेलु, जब भौजी रही तो मार हलवा पूरी खा खा के जूट के ढेर लगा देत रहू। बाप रे बाप, इनकर भौजी ना भइल कोनो महारानी हो गई। महारानी तो ना है, लेकिन तहरा से चालाक बड़ी। बोला काहे? देख ली कि तू यहाँ बाड़ू तो सोच ली कि अपना घर घूम के आ जाए। ठीक कहता रे बुआबा। तहरा बुझाई तब न। बाप रे बाप, जब से दुल्हन गईली हमरा तो एक मिनट के फुर्सत के टाइम देखे मिलत आ ना कहीं जाए के। राजू मजाक ना, सुमितिया ना करी तो केहू और से पूछा। तारा से ना होके तो कन्हैया जी के बोल दा। अब दूसरा आदमी से कई दिन घर चली भौजी? ननद जी काम तो करी के पड़ी, बाकी हंस के कर चाहे रोके। काहे नहीं को दुल्हन के बुला लेत? कन्हैया काहे नहीं अपने दुल्हन के ले आवत? भौजी के तबीयत खराब रहता है, इनका तो कुछ काम होते नहीं खे, हमरे का कोलू के बैल बनात रहता लोग। हुआ उनका गेल कितना दिन भई? दो चार दिन घूम लेवे द। चुप। दो चार दिन घूम लेवे द। माताइन भौजी कितना दिन से हमरा के बुलावत तरी, कहत रही के बच्ची आवत तहरा के फुलावरा दही हम बनाई के खियाई, आई जैसे फुर्सत मिली तब ना। हां कन्हैया, तहार बाबूजी भी कहत रहे कि दुल्हन के बुला लेवे के चाहिए। अब जाके दुल्हन के लिए आओ। ठीक बड़े, जब तक हम ना आए तब तक वो नाराज रही है का? शायद हो सका था। अरे वो महंत उनका के खरीद ले लस, ये वो भरम भामरा। हेलो। बोला। कहाँ रहनी है रहुआ? फोने नेखे लगत रहा। अच्छा कब? काल। काल रात के? काल रात के तारे सपना देखत रहनी। मजाक मत करी। अरे हाँ भाई, एकदम सच बोला था नी, दिल से। हम देखनी है कि हम अतु देखी अमर बबुआ काहे परेशान बढ़न। कुछ बोलत काहे नेखी? तो तारा के फोन कर ले। हाँ ना, वो फोन ना कर ले रहा ना। तो फिर ये बात तहरा कैसे पता लागल? रउआ से बात करे खातिर हम राव नंबर पे फोन लगावत रहनी है, जब ना लागल है तो उनका नंबर पे लगा देनी है। अच्छा, का कहत रहल है तारा से? वो कुछ ना कहलन है, बाकी उनका आवाज के बेरुखी से हम समझ गए नहीं है कि कुछ तो बात बा। अब हम तारा से का बताई, उनकर तो खामखा दिमाग खराब हो गई बा। लेकिन कुछ तो वजह होई एकरा पीछे। अब सारा बात हम तारा के फोन पर कैसे बता सकत नहीं? देखी केहू के नाराज करके का फायदा, और रउआ लोग तो खुदे समझदार बने। रउआ रउआ तो बड़ भाई है, छोट भाई के ध्यान रखल रहो धर्म है। देखो हम सब समझता नहीं, तू जब एजा आ जाबी नु
तरह सारा बात खुदे समझ में आ जाए। भेजा है वो मतलब? जब तक हम ना आए तब तक वो नाराज नहीं है का? शायद हो सका था। हो सकेला? हम 6 महीना तक ना आए तब? 6 महीना? अरे भाई हम काले तरह के ले आवे खातिर आवत नहीं। लेकिन इतना जल्दी का है? अब हम का कर सकते नहीं। माई बाबूजी कहनी है कि जाके दुल्हन के बुला ले आओ। खाली ले आवे के बात होता नू। दिन उन्ना धराई का? हाँ, जैसे तारा के यहाँ से भेजे खातिर हम दिन धरोले रहनी। ता रवा का है आवता नहीं लेवे? का है? हम तारा के बुलाओ खातिर नहीं आ सकत का? हमारे बात के गलत मतलब मत निकाली। हम तो यही से कहत रहनी कि रवा ओ जंग बहुत काम बा, काम छोड़ के रवा कैसे आई? हाँ भाई, काम तो आजकल बहुत बढ़ गई बा। तो अमर चाहे राजू बाबू हमें से कहू के भेज। हाँ, उलग भी जा सकता। उहे तो उहे लोग के भेज दी। ठीक बटे, जैसन तहार आ गया महारानी जी। हमरा के अब मत समझावा दीना। काहे? इतना दिन संगे काम करला के बाद हमरा बुझा गेल कि बार लोग केहू के ना होला। तोहरा के भरम बा, लेकिन ऐसन बात नहीं खे। भरम बा हमरा? चौधरी मालिक पर भरोसा करके जमीन के लड़ाई हम लड़त रहनी है, भरम बा हमरा। अरे वो महंत उनका के खरीद लेलस, ये वो भरम बा हमरा। के एक बात बता देता नहीं दीना, हमरा पास पावे खातिर पूरा जहान बा, कि गवावे खातिर बस हमार जान बा। हम अपना जीते जी एक कभी ना होके दे बा। ना सुमतिया, अरे तू कम से कम हमार तो विश्वास कर। अरे विश्वास के दो सौ ना धोखा होखला जीरा, धोखा। तो ठीक बा, तोहरा के जान बुझाए उहे कह, लेकिन फैसला आए वाला समय करी। अब हम अपने मुंह से कुछ ना कह सकेला। कहे के केहू जरूरत भी नहीं के। बाप बेटा दोनों जना के महान के घर हसस के बतियावत और चाय पियत हम अपना आँख से देख लिया। अरे हमरा तो बुझाता कि वो लोग जमीन पर समझौता कर ले बारे। फिर वह बात, अरे मालिक वो जमीन के समझौता अकेले कैसे कर सकेलन? वो पूरे गांव के जमीन बा। अरे तू का जानत है ये बड़ लोगन के जो चला। अरे हाथी के दिखावे वाला दांत नियन, हम गरीबन के दिखावे खातिर मुंह पर चिकना चुपड़ा बात करेला लोग। हाँ देख सुमतिया, हम खूब जानत नहीं अपने मालिक के और घर के, बचपन से रहल बानी हूँ। हमार मालिक महंत के झांसा में नहीं खे आ सके। उनका झांसा में केहू आवे या ना, बाकी हम नहीं खियावे वाला। हम अकेले उनका खिलाफ चीखब चिल्लाएब और अपन जमीन वापस ले के ही दम लेब। हाँ अरे मंजू, गोड़ लागत नहीं चाची। खुश रहा बेटिया, आओ बेटा। सुना बेटिया, तोहार भौजाई हमार बड़की के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला था नहीं। का भय चाची? देखा बिटिया, बड़की बियाहल बेटी हा, 4 दिन खातिर रह जाइल बिया, आ ओकरे ससुरार तक की बात पहुंची तो ओकरो भी जिंदगी नरक हो जाई। ऐसन काम मत करा लोग। के बतौला है तोहरा से? पढ़ाई ना जी। चाची जानत नहीं को पढ़ाई ना जी के? ओई जे हमार भौजे के कान भरे लिन और इंजा आके रवो लोग के अलग से कान भर रहल बाड़ी। अरे मंजू तू का हाल चाल बा? ठीक बा। तू लोग बैठ के बात करा, हम आवत नहीं। हमरा की तोरा से को बात बतावे के बा। कहा ना हम बहुत खुश बानी। काहे फोन आई रहे का? फोन ओ दिन के बाद से रोज एक एक घंटा ले बतियावे ने हमरा से फोन पर। साचो? हाँ तोहार कसम प्रेमा, वो तो खुद ही कहत रहले ना कि तू यही जाके हमार संगे रहा। जब थक हार के घरे आईला तो ना कुछ बनावे के मन कहेला और ना खाए के, और कबो कबो तो बिना खेले ही सोच जाइला। उनका के तू बोला कि वो आ सतरा लेके जास। अरे माई बाप के जिद में तार जिंदगी काहे बर्बाद हुई? अब हम का कही, ये बात तो खुदे कहत रहे। रहुआ ब्लैक लिस्टेड हो गल बाटी ठेकेदारी में। देखा के आइल बा?
फुआ जल्दी खाना दा, देर होत बा। हैला ले दा। फुआ अतना में का होई? अरे 10 गो मजूर बाड़न सब। हमारे में इतना जागर नहीं खे कि एक मजदूरन खाती तहार 14-14 रोटी बना के दी। तो ठीक बा, मत बना के दी, कहीं तो काम रुकवा देता नहीं खेत पर। अरे जब मजूर लगाई तो खाना देवा ही के पड़ी ना। खाना राख आ तेजो गिरता हूं मैं देखाऊ। कौनो बात नहीं खे दी ना, आज मजूरन खे खाना के बदले आलू और चावल दे दी जाए। तो ठीक बा। काहे जब हमरा देवे के पड़ता तो रोटी दियाई, अब दुल्हन नहीं है तो चावल आलू काहे दियाई। लेकिन दुल्हन मलकान के बनावल खाना के मजूर लोग खूब बखान करेला, रउआ तो कच्चा पक्का बना के दे दे। ओहो मोरा खाना बनो तो नहीं माटी लागो। अरे सुना तरु, वो अपन राय जी बने नु। हाँ? अरे वह राइस मिल वाले उनके यहाँ से न्योता आई हुई है, उनकर बेटा के ब्याह बा। ब्याह ठीक हो गई कहिया बा? परसों। अब यह सोचा था नहीं कि के जाई आ केकरा के भेजल जाओ। ना हो के तो कन्हैया जी और दुल्हन के भेज दियल जाई। हाँ तो ठीक कहलू है, बहुत लोग आई, अच्छा अच्छा लोग आई, दुल्हन आ कन्हैया जी के ही भेज दिल जाओ, बहुत अच्छा रही। काहे? हाँ मैं भौजी नहीं की जा सक जा। अरे नाना जी नए लोग का जमाना बा, आपन दिन बीत गई। ए भौजी तहार जमाना लौट गई हुई, हमारा भी बैठे बुझलू। पंडित जी भा मर्द हमार तुहार कौन खेते मेरी झगड़ा लगल बहो मत शिकायत कहाँ कैली हो। अरे रहूंगा तो पंडित जी है। अरे अरे मुंशी जी ऐसा कौनो बात नहीं के, हम केकरो से राव शिकायत नहीं की कही है। हाँ। अरे बोल ले ना, बाद में फोन करब। हाँ बाद में रख। बबुआ जी महंत जी नहीं की दिखत, कहाँ बानी? वो पूजा बैठल बड़ा। बबुआ जी कसम पटदारे के एक बात बताई, रउआ पीछे ऐसा लपुर जंगल लपटिया गई बा कि सब कमे उल्टा पुल्टा हो जाता। अरे बुझावल मत बुझा, बात का बबल सुना था नहीं कि कहा सुना था नहीं बोल ना कि रउआ ब्लैक लिस्टेड हो गई बाटी ठेकेदारी में। ये काला सर है क्यों कहत लागा, उसे उड़ा तुरत खबर सुन ला ली है। कोई झूठ बात बा? झूठ बात तो बड़ी खुशी की बात बा। बबुआ जी रंगवे बताई, अगर ये बात झूठ होके तो नाली वाला टेंडर और कन्हैया के कैसे मिल गए? ये रंगवा के कैसे मालूम चला जाए? तू कहा बा बबुआ जी कि मठ के पास से बहे वाला हवा भी कुछ बोलेला, हमने अपन कान तो बंद ना रख सकीला ना। तेमा हरज का बा? हरज तो का, अच्छा बा कसम पटदारे के बबुआ जी झूठ ना बोली तो अब हमनी के मिल के काम कर ली। देखला पंडित जी। हाँ बोली मुंशी जी। ये रंगा पोथी पत्रा का कहता हो है? पोथी पत्रा चाहे जे कहे मुंशी जी, बाकी हमरा तो बड़का तसला में खिचड़ी पके के महक आ रहल बा। महक हमहू के हरदियाहिन महकता हो। तू दोनों जाके अपन नाक के इलाज करावा तो मांग मत खराब कर, चल। नतिया ठीक बा हो। अरे का भइल काहे हंसत रहो लोग? अरे सरला हसावत हसावत पेट फुलौले बिया। सरला बता ना चाची के। छोड़ा ना, बता ना बता ना। अच्छा तू ही बता दो। जान तरु चाची एक बार हमनी के नानी घरे गइल रहनी जा,
ओजंग ओम जी मच्छरदानी के अंदर सुतल रहल सरला का कहली उनका डरावे खातिर कहली कि देखा ना खिड़की पे चुड़ैल खड़ा बा भूतनी खड़ा बा ऐसे बाल बा वैसे बाल बा और ओम जी का कहलस डरलस ना इतने देर में लाइट कट गई लाइट कटलस न तो सरला के लागल कि साँचो खिड़की पे कोई खड़ा बा आई भगली अब पीछे पीछे वो भगल हे भगवान देखा साँचो का भूत रहे अरे ना चाची हे सरला देखा के आइल बा दीदी के मिले अजी ना रोहा सबसे मिले आयल बनी और वो दीदी के लिए ओले भी चाहिए।